अस्पृश्यता उन्मूलन अभियान के तहत सोमवार को भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ दलितों के मसीहा बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली से हुआ। यह यात्रा प्रदेश के तकरीबन 13 जिलों से गुजरेगी, जिसका समापन 18 दिसंबर को भोपाल में होगा। इस यात्रा में बाबा साहेब के सैकड़ों अनुयायी शामिल हैं। यात्रा को डॉक्टर अम्बेडकर की जन्मस्थली से उत्साह व विश्वास के साथ रवाना किया गया। छुआछूत छोड़ो भारत जोड़ो देश को लेकर निकाली जा रही इस यात्रा का शुभारंभ सोमवार सुबह बाबा साहेब की जन्मस्थली आंबेडकर स्मारक से हुआ। मध्य प्रदेश जनजाति आयोग के सदस्य घनश्याम पेरोनिया, मेमोरियल सोसाइटी के अध्यक्ष भंते संघशील, आंबेडकर शोध संस्थान के डायरेक्टर आर एन बेरवा, यात्रा संयोजक स्वाति केतवास ने पंचशील ध्वजा फहराकर यात्रा को रवाना किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में बाबा साहेब के अनुयायी उपस्थित थे। डॉक्टर आंबेडकर सामाजिक न्याय केंद्र भोपाल द्वारा दलित अधिकार अभियान के तहत निकाली जा रही यह यात्रा देवास, आष्टा, सीहोर, हरदा, बैतूल, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, रायगढ़, रायसेन होते हुए 18 दिसंबर को भोपाल पहुंचेगी। यहां पर इस यात्रा के समापन के साथ ही प्रदेश स्तरीय दलित सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। यात्रा का शुभारंभ किया है। जी हमने सोचा कि मऊ से हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की जहाँ जन्मस्थली है, इसकी शुरुआत यहाँ से की जाएगी और प्रदेश के 23 जिलों में पूरी प्रदेश जन चेतना यात्रा के माध्यम से हम लोगों को छुआछूत के विषय में प्रेरणा देते हुए संकल्प देंगे कि छुआछूत करना अपराध है, कानूनी अपराध है, जिसके लिए तोड़े, इससे मुक्त कराए, जिससे हम सबको सम्मान मिल सके। 12-12-12 के दुर्लभ संजोग पर तहसील भर में अनेकों धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। नगर के चंपावाला बगीची में नानी बाई का मायरा धार्मिक कार्यक्रम जारी है। इसका समापन 12 दिसंबर को किया जाएगा। इसके अलावा महुगांव दुर्गापीठ परिक्षेत्र में 12 दिसंबर से साध्वी कनकेश्वरी देवी की भागवत कथा का आयोजन शुरू होगा, जिसके लिए शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। इसके अलावा सामाजिक, धार्मिक व अन्य संगठनों द्वारा अंकों के इस महायोग में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सदी के महत्वपूर्ण अंक योग 12-12-12 को लेकर लोगों में खासा उत्साह व ज्योतिषी व धार्मिक अभिमत है। इसी के चलते शहर व गांवों में विभिन्न धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। प्रमुख आयोजन महू गांव स्थित दुर्गा पीठ परिसर में किया जा रहा है। 12 से 20 दिसंबर तक दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक आयोजित भागवत कथा महोत्सव में मां कनकेश्वरी देवी के मुखारबिंद से श्रद्धालुओं को कथा व विभिन्न प्रसंगों का धर्म लाभ मिलेगा। इस आयोजन के तहत 12 दिसंबर को धारनाका स्कूल परिसर से कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो महू गांव, शांतिनगर आदि जगहों से होते हुए कथा स्थल तक पहुंचेगी। इस महोत्सव के लिए विशाल पांडाल व भोजन सहित अन्य व्यवस्थाएं की गई है। दुर्गा पीठ के स्वामी महाराज राधा कांताचार्य जी के निर्देशन में इस धार्मिक आयोजन के लिए विभिन्न समितियों का गठन भी किया गया है। इस आयोजन को लेकर राजनीतिक चर्चाएं भी हैं, क्योंकि क्षेत्रीय विधायक व मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ विधायक रमेश मेंदोला व लाव लश्कर इस आयोजन की सफलता के लिए सरकारी तामझाम का भी भरपूर उपयोग कर रहे हैं। गाजा बिलोद वाया पीथमपुर फोरलेन निर्माण कंपनी की तकनीकी खामियां व निर्माण के दौरान अव्यवस्थाएं लोगों पर भारी पड़ रही हैं। तकरीबन 27 किलोमीटर लंबे इस मार्ग को टोल आधारित व्यवस्था के तहत प्रदेश की चर्चित दिलीप बिल्कान द्वारा बनाया जा रहा है। अब सड़क निर्माण धारणा का बस्ती क्षेत्र में जारी है। इस दौरान एक बार फिर ठेका कंपनी की अव्यवस्था व लापरवाही का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इससे बड़े हादसे से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। महू घाटा बिल्लोद टोल फोर लेन के तहत धारनाका क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य जारी है, लेकिन ठेका कंपनी की अव्यवस्था व लापरवाही पूर्ण निर्माण कार्य का खामियाजा स्थानीय रहवासियों को उठाना पड़ रहा है। सड़क बनाने के दौरान लोगों के घरों के बाहर गड्ढों से तो दुर्घटना का खतरा बढ़ ही गया है, साथ ही किनारों पर नुकीले सरिये छोड़ दिए जाने से लोगों की जान पर बनाई है। इस कारण बुजुर्गों व बच्चों को आने जाने में खासी परेशानी हो रही है। स्थानीय रहवासियों ने ठेकेदार के कर्मचारियों से शिकायतें भी की, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं।
गौरतलब है कि उक्त सड़क निर्माण कार्य के दौरान बरती गई लापरवाही के चलते महुगांव, धारनाका व पीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र में साल भर से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 3 लोगों की जान भी इसी लापरवाही के चलते चली गई, जबकि दुर्घटनाग्रस्त होकर कई लोग अभी भी इस सड़क निर्माण को कोस रहे हैं। क्या समस्या हो रही है? समस्या ये है भैया, ये बच्चे गिरते सुबह और इतने पेने हैं, ये 3-4 लोग हैं। लोग शहर में इन दिनों केंद्र सरकार के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों के लिए जारी किए विशेष पैकेज के तहत विकास कार्य जारी है। इसी के चलते प्रमुख चौराहों पर हाईमास्ट कार्य प्रगति पर है, लेकिन तकनीकी त्रुटियों के साथ ही ठेकेदार द्वारा इस कार्य के लिए खोदी गई मिट्टी व बोल्डर को भी बाले बाले बेचा जा रहा है। नगर में इन दिनों केंद्र सरकार द्वारा जारी 350 करोड़ रुपए से विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसके तहत प्रमुख जगहों पर हाई मास्क लगाने का कार्य शुरू किया गया है। इनके लग जाने से शहर रात में दूधिया रोशनी से नहाएगा, लेकिन इस कार्य की प्रगति के दौरान बोर्ड का कोई भी जवाबदार मौके पर उपस्थित नहीं रहता। इस कारण हाई मास्क लगाने वाली कंपनी के कर्मचारी मनमर्जी से अपना काम पूरा कर रहे हैं, चाहे जैसे रोड की कटिंग व खुदाई तो की जा रही है, साथ ही साथ गहरे गड्ढों को खोदने से कई ट्रॉलियां मिट्टी व मोरम मौके पर एकत्रित हो गई है, जिसे कर्मचारियों ने बाले बाले ही बेच दिया। इस संबंध में जब बोर्ड CEO आलोक गुप्ता से चर्चा की तो उन्होंने अनभिज्ञता जताते हुए इस मामले को देख लेने की बात कही।